भोजपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गृह कलेश के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद युवक ने खुद भी चूहे मार दवा खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, मगर उसकी हालत बिगड़ने पर शोर शराबा सुन आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और महिला को पड़ा देखा कि उसकी सांसें चल रही थी। आनन फानन में ग्रामीणों ने महिला और उसके पति को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया तो वहीं उसके पति को प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। उसके बाद आरोपी पति ने खुद ही थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर करते हुए अपनी पत्नी की हत्या किए जाने की बात पुलिस को बताई। महिला की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोजपुर क्षेत्र के गांव पीपलसाना के मड़ैया का रहने वाला सोमवीर अपनी पत्नी पिंकी के साथ पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गया था। वहां पर घास काटने के दौरान पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में आकर सोमवीर ने अपनी पत्नी पिंकी का गला दबा दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या करने के इरादे से चूहे मार दवा खा ली। जहर का सेवन करने से सोमवीर की हालत बिगड़ने लगी और वो चीखने चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुना आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। महिला पिंकी को खेत में पड़ा देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। आनन फानन में ग्रामीणों ने सोमवीर और पिंकी को उपचार के लिए भर्ती कराया, परिवार को सूचना दी। चिकित्सकों ने महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया और उसके पति का उपचार शुरू कर दिया। आरोपी पति स्वयं थाने पहुंचा और पत्नी की हत्या किए जाने के बाद पुलिस को बताई। वहीं महिला पिंकी की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महिला पिंकी के 3 बच्चे, 8 साल का राजू, 6 साल की बेटी राही और 4 साल की बेटी वैष्णवी है। मां की मौत से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।